Press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। और हम सारे अभी तक नौवा चैप्टर कर रहे थे और इससे पहले हमने वीडियो के ऊपर पांच पार्ट कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए वीडियो के पार्ट्स जो हैं अभी तक वीडियो के जो पार्ट बने हैं सबसे बड़े पार्ट इस चैप्टर के ही बने हैं। तो ये वीडियो का छठा पार्ट है। वीडियो के सिक्स पार्ट पे हम आज स्टडी करेंगे। हमारे चैप्टर नाइन का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इससे पहले हमने पांच चैप्टर किए हुए हैं वीडियो के ऊपर, तो आप जाके इन चैप्टर की प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, जब भी आप इन चैप्टर के दूसरे हिस्सों को समझ पाएंगे एंड देन ही आप इस चैप्टर के इस वाले पार्ट को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इससे पहले चैप्टर्स के हिस्से को नहीं देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं सिक्स पार्ट की तरफ और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ सीखने को हमें इस चैप्टर के अंदर मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे मुग़ल दरबार के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे मुग़ल दरबार जो है पूरी तरीके से मुग़ल दरबार के अंदर हम 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी की बात करेंगे। तो सबसे पार्ट जो हमारा है आज वो है रॉयल हाउस होल्ड, यानी कि शाही परिवार बोल लीजिए इसके बारे में। शाही परिवार के अंदर आज हम देखेंगे कि कैसे स्त्री जो होती थी उनका इंटरफेरेंस कैसे होता था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द पे ध्यान दिया गया है, मुग़ल के घरेलू संसार को हम हरम का नाम देते हैं। और हरम जो है ये एक फारसी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब एक पवित्र स्थान है। यानी कि हरम जो है एक फारसी शब्द है जिसका मतलब एक पवित्र स्थान है। और इस पवित्र स्थान में मुग़ल दरबार का जो परिवार है उसमें बादशाह की पत्नियां हैं, जो उप पत्नियाँ हैं, और या तो उनके नज़दीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, परिवार के अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं, इनमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सभी को पवित्र स्थान के रूप में हरम कहा गया है। और पूरी तरीके से ये वर्ग जो है काफ़ी व्यापक रूप से बहुत फेमस था एंड दैट इज़ वाई इसे हरम का नाम दिया गया। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या था वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मुग़ल शासकों के जो बड़े बड़े जो उस समय पे बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे, चाहे वो बेगम हैं चाहे उनकी अन्य पत्नियां हैं, उनके बीच में काफ़ी अंतर देखने को मिलता था। जो जन्म से महान नहीं होती थी वो ज़्यादातर क्या कहते हैं निचले वर्ग से संबंधित रखती थी, और जो बादशाह के बिल्कुल नज़दीक हुआ करती थी वो उनकी नज़दीकी पत्नियां जो होती थी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती थी। उनको बाद में शादी के बाद उन्हें बेगम का एक दर्जा दिया जाता था। और जब मुग़ल दरबार के लोग उस समय पर राजपूत कुल से शादी किया करते थे तो विवाह का मेन मकसद होता था अपने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाना। मान लो कि राजा जो है किसी एक राजकुमारी से शादी करता है तो उसका मेन मकसद यही होगा कि अपने राजनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना, और साथ साथ में विवाह के साथ जो पुत्री होती थी उसको पिता होता जो भेंट के रूप में बहुत सारी चीज़ें दिया करता था, उपहार के रूप में जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं एज अ दहेज डोरी जिसे आप बोलते हैं, वो सिस्टम उस अर्ली टाइम पीरियड से चलता आ रहा है। तो उस टाइम पर भी ऐसा हुआ करता था। अब यहाँ पे पूरी तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल करा गया है, अगाचा। उस टाइम पे जब शादी हुआ करती थी तो उनकी पत्नियाँ और उनके साथ जो और लोग होते थे उनको उपहार के रूप में मासिक भत्ता ये सब दिया जाता था, और पति की इच्छा के आधार पर ही बेगम की जो स्थिति थी उसको तय किया जाता था कि किसकी क्या वैल्यू होगी, किसकी क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्योंकि राजा की उस टाइम पीरियड पे बहुत सारी पत्नियाँ हुआ करती थी, अब इसमें ऐसा कहा जाता था कि उस टाइम पीरियड पे जिस समय पे राजा अनेक बेगमों से शादी करते थे तो उस अर्ली टाइम पीरियड पे जो महिलाएं होती थी जो उस समय पे सबसे मैं बोल सकता हूँ कि पत्नियों के उसमें उप पत्नियाँ जो कहलाती थी वो कहलाती थी अजका।
अज का जो थी वो सबसे निम्न स्थिति पे जो थी उस समय पे राजा की पत्नी कहलाती थी, और उसमें जितनी भी अज का जितनी भी पत्नी हो सकती है उन सभी पत्नी को उस टाइम पे मासिक भत्ता जो था वो दिया जाता था। और साथ में उस समय पे मतलब ये नगद जो होता था ये नगद मिलता था, और साथ में उन्हें उपहार भी दिया जाता था, उपहार के रूप में काफ़ी चीज़ें मिलती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि यदि पति की इच्छा हो तो वो, अगर मान लीजिए कि किसी राजा के पास पत्नियाँ चार पत्नियाँ हैं और उसमें से किसी एक पत्नी को स्पेशलिटी देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो राजा जो है अपनी प्रभुत्वता को दिखा के अपने इम्पोर्टेंस को दिखा कर अपनी जो दूसरी उपपत्नियाँ हैं उसमें से किसी एक पत्नी को एक अहम पत्नी का दर्जा दे सकता है, जैसे कि शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड पे करा था। ये सब उनके हाथ में होता था। अब उस टाइम पीरियड पे महिलाओं को छोड़कर बहुत से जो लोग होते थे, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, वो गुलाम के रूप में काम किया करते थे, जिसमें से वो सारे के सारे लोग बहुत छोटे से काम से लेके बड़े से बड़े काम में बहुत ज़्यादा कुशल, चतुर और बुद्धिमान हुआ करते थे। उस टाइम पीरियड पे गुलाम जो होते थे जिन्हें इन्होंने, मैं बोल सकता हूँ कि हिजड़े के रूप में इन्होंने उसको कहा, तो उस टाइम पीरियड पे ये जो हिजड़े होते थे जो उस समय पे ज़्यादातर रानियों के पास रहते थे, वो एज अ गार्ड के रूप में और नौकर के रूप में भी उनके साथ में उस समय काम किया करते थे। और ज़्यादातर ये लोग महिलाएं जो महिलाओं के लिए एक एजेंट के रूप में काम किया करती थी। तो आपने बहुत से अर्ली टाइम पीरियड में फिल्में देखी होगी जिनमें किन्नरों को भी एक क्या कहते हैं जगह दी जाती थी, और ख्वाजा सारा एक वर्ड जो है इनके लिए स्पेशल इस्तेमाल किया गया था उस फारसी शब्द में, जिसमें से ये जो होती थी ये महिलाओं के लिए एक एजेंट के रूप में काम करती थी। और साथ साथ में हमें देखने को ये मिलता है कि कहीं ना कहीं इनकी भी इम्पोर्टेंट जो थी वो थी। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे यहाँ पे वाणिज्य, रोल ऑफ मुगल प्रिंसेस इन कॉमर्स यानी कि वाणिज्य में मुगल राजकुमारियों की भूमिका है। अब ऐसा देखा गया कि समय के साथ साथ नूरजहाँ के बाद, नूरजहाँ आपको पता है कौन है, शाहजहाँ की बेगम थी, उनका इंटरफेरेंस वॉर के टाइम पे भी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मुगल शासकों के अंदर राजकुमारियों की जो रानियां थी वो महत्वपूर्ण आधारिक संसाधनों के अंदर भी उनका नियंत्रण जो है उन्होंने करना चालू कर दिया। शाहजहां की बेटी थी जहां आरा और रोशन आरा जो है उस समय पे शाहजहां की बेटी थी, और उन्हें भी क्या कहते हैं वार्षिक आय के रूप में जैसे मनसब जो शाही उच्च मनसबदार हुआ करते थे उनको पैसे मिलते थे, ऐसे ही फिर उनकी बेटियों को भी एज अ सैलरी जो थी वार्षिक आय एनुअल इनकम जो थी वो उनको मिलनी चालू हो गई थी। इवन यहाँ तक तो ये देखा गया है कि जो जो जहाँ आ रहा है उन्होंने सूरत के जो बंदरगाह है जो एक स्पेशल स्पॉट माना जाता है व्यापार के लिए, वहाँ तक जो उनके केंद्र हुआ करते थे वहाँ से भी राजस्व प्राप्त करने के लिए जहाँ आ रहा जो थी वो एलिजिबल हो गई थी। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है कि नूरजहाँ और क्वीन शाह आरा जो है उन्होंने भी क्या कहते हैं आपके दरबार के अंदर मुगल दरबारियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, इसके अलावा जो जहां आ रहा थी उन्होंने सूरत के बंदरगाह शहर से राजस्व प्राप्त करना होता था जो विदेशी व्यापार का एक बड़ा केंद्र था उस टाइम पीरियड पे। संसाधन ने शाही घरानों की महत्वपूर्ण महिलाओं के निर्माणाधीन इमारतें बनवाई उन लोगों ने, उन्होंने फिर जैसे कि बाग होते थे उनका निर्माण करवाया इन महिलाओं ने, इन महिलाओं ने इमारतों का निर्माण करवाया। इवन यहाँ तक ये देखा गया कि जहाँ आरा थी उन्होंने जो नई राजधानी जब जिस टाइम पे शाहजहाँ के टाइम पे बनाई गई थी दिल्ली जिसे शाहजहानाबाद बोला जाता था, उसमें शाहजहाँ की कई जो स्थापत्य कला होती थी, शाहजहाँ के जो आर्किटेक्चुरल प्रोजेक्ट हुआ करते थे वहाँ पे उनकी बेटी ने बहुत ज़्यादा अपनी रुचि दिखाने की कोशिश करी। इन परियोजनाओं के अंदर ये देखा गया कंस्ट्रक्शन के अंदर कि उन्होंने आंगन बनाए और उसके साथ साथ उनके अंदर बगीचे बनाए, डबल मंजिला जो कारावास सेल होती थी उस टाइम पे उसमें इंटरफेरेंस दिखाया। शाहजहाँ के जो व्यापार के मुख्य केंद्र जैसे चांदनी चौक का बाजार था उस समय पे शाह आरा के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था, और जहाँ आरा जो थी वो पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों के अंदर रुचि लेती थी। इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल जो मैं देखने को बताता हूँ आपको, हुमायूं की बेटी।
हुमायूं की बेटी गुलबदन जो थी, उन्होंने मुगल के घरेलू काम के अंदर भी कहीं ना कहीं अपनी दिलचस्पी दिखाने की कोशिश करी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूं नामा जो थी, मतलब ये हुमायूं की बहन थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं के बारे में जितनी भी कहानी थी वो लिखी थी। और उसके साथ साथ, अब क्योंकि ये तो चाची, ये तो क्या कहते हैं, बुआ लगी किनकी, ये बुआ लगी अकबर की। तो अकबर जिस समय आईने अकबरी लिख रहा था, तो उस टाइम पे अकबर ने अबुल फर्ज का साथ देने के लिए, शासन काल के दौरान इतिहास लिखने के लिए, उस समय गुलबदन बेगम जो है उनका इस्तेमाल किया। तो उस समय क्योंकि तुर्की और फारसी भाषा को काफ़ी अच्छी तरीके से, फ्लुएंट तरीके से वो जानती थी, फ्लुएंटली, दैट इज़ वाई यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं अपने चाचा, मतलब एक तो क्या कहते हैं गुलबदन बेगम ने अपने जो बाबर थे उनकी उस समय पे लिपि लिखी, और उसके बाद हुमायूं के बारे में लिखा। एंड देन गुलबदन बेगम ने अपने क्या कहते हैं कि जो उनकी बुआ थी, उनके साथ जब आईने अकबरी लिखी जा रही थी, तो अबुल फर्ज की मदद करने के लिए भी इन्होंने अपना इंटरफेरेंस दिखाया। तो उन्होंने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के तहत जो स्मरण थे, उनके रिकॉर्ड जो है वो लिखने का अनुरोध करा उस टाइम पीरियड पे। तो गुलबदन ने मुगल सम्राट के अंदर जितने भी क्या कहते हैं रचनाएं थी, काफ़ी हद तक उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। बल्कि उन्होंने राजकुमारों और राजाओं के बीच संघर्ष और तनाव का वर्णन करा, और परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, उनके बीच जो उनकी भूमिकाएं होती थी, उनके बीच संघर्ष सुलझाने की कोशिश करी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पे, जो महिलाएं उस समय मुगल दरबार के अंदर हुआ करती थी। सो गाइस, दिस इज इट इन दिस पार्ट, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।